हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्लॉग ऑफ पंचमढ़ी। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पिपरिया रेलवे स्टेशन पे हूँ। सुबह सुबह हम लोग यहाँ पहुँचे इंदौर से, और ये यहाँ का सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। पंचमढ़ी की तरफ, और हमने यहाँ पे एक टवेरा बुक कर ली है। ने लगभग 150 पर हेड लिया है हमारे चार्ज के। यहाँ से वैसे बस भी चलती है, लेकिन बस को आने में टाइम था, ये लोग जल्दी जा रहे थे, इसलिए हमने टवेरा बुक कर लिया। हम लोग अभी पहुँच गए सिटी सेंटर पे, और ये यहाँ पे की नाश्ते की दुकान है। यहाँ पे बहुत रिजनेबल रेट में नाश्ता मिल जाएगा, तो आप चाहे तो यहाँ पे नाश्ता कर सकते हैं। आके देख सकते हैं इस टाइप का ये कुछ मार्केट है, और नाश्ता वास्ता करके खाना वाना खा के हम लोग निकलने वाले ट्रैकिंग पे। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच गए अभी यहाँ के पेट्रोल पंप पे, और हमारी स्कूटी ले ली हमने 500 रुपये रेंट पे, और इसमें पेट्रोल डला रहे हैं 150 रुपये का, जो कि भैया से भी हमने पूछा तो बोले हाँ सफिशेंट है 150 रुपये का पेट्रोल अभी। और देख सकते हैं मेरे दोस्त है, ये 3 स्कूटियाँ ली हम लोग, 6 जने थे। तो ठीक है, यहाँ का इकलौता पेट्रोल पंप है। अब यहाँ से हम लोग सीधे जाएंगे एंट्री लेने के लिए, जो पेपर लगते हैं वो लेने के लिए, जो फॉरेस्ट एंट्री का पेपर लगता है, और उसके बाद हम लोग जाएंगे वीफॉल। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको डायरेक्ट वीफॉल। तो अभी हम लोग आ गए हैं बाइसेन लॉज, जहाँ पर हमारे को फॉरेस्ट में एंट्री करने के जो परमिशन की पर्ची रहती है वो कटानी रहेगी यहाँ पे, और फिर यहाँ से हम पर्ची कटा के सीधे निकलेंगे बीफॉल के लिए, जहाँ पे वो पर्ची रिक्वायर्ड है। यहाँ पे बारिश भी होने लग गई है, अब देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे बाइसन लॉज में इनने एक छोटा सा म्यूजियम टाइप का बना रखा है, चलिए देख के आते हैं आपको। मतलब यहाँ के थोड़े जो जानवर वगैरह है उनके वो रेप्लिका रख रखे हैं, तो चलिए देखते हैं अंदर चल के कैसे हैं। बहुत अच्छा बनाई, मेरे पास आराम से ऑफिस में रख दें। और ये लॉज बहुत अच्छा बना हुआ है यहाँ पे, और ये पिंकी देखो यार, फोटो लग जाएगा वो लेगा ना भाई इसको मोबाइल के बाद। ले तो एक फोटो ले तो वेट है, वही चूजा का पानी काट दिया। जैसे देखो क्या है, ये पाइथन ये पता नहीं कौन सा जानवर है, अच्छा बनाया हुआ, अच्छा लग रहा है। लोग अभी 12:15 हो रहे हैं, और हम लोग इधर बीफॉल के ट्रैक पे निकल गए, जो कि 3 किलोमीटर लंबा ट्रैक है। और हमारी जो स्कूटीज थी वो बाहर रखवा दी गई, यहाँ इसके आगे सिर्फ जिप्सी अलाउड रहती है। तो हम लोग पैदल पैदल ट्रैक करके जा रहे हैं, बहुत सारे लोग वैसे जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी लोग स्कूटी वगैरह लेता है वो ऐसे ट्रैक करके जाता है, और मज़ा भी आता है। वैसे तो रोड बना हुआ है अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि ऑफ रोडिंग है या रोड वगैरह बढ़िया है तो जा सकते हैं। ठीक है, कई हम तो जा रहे हैं, बट यहाँ पर देखा गया है कि कई बार चीता जो तो वाइल्ड एनिमल्स का थोड़ा खतरा रहता है यहाँ, सॉरी टाइगर बाघ वगैरह यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो कभी कभी वो ह्यूमन इंटरेक्शन हो जाता है उन लोगों का, तो उसका आपको स्पेशल कंसर्न रहना है कि थोड़ा सा आप सतर्क होकर चले, चारों तरफ देखते रहे, क्योंकि देखिए जंगली जंगल है पूरा, तो जानवर कहीं से आए तो आप अलर्ट रहें। बाकी हम लोग तो अलर्ट हैं। जय श्री राम। मैं उसकी बात कर रहा था, रिकॉर्ड कर, मैं उसकी बात कर रहा था, वो नहीं।
खिलाड़ी ले जा, तू भी जा, मैं तेरे साथ जा। नहीं नहीं अंकुर ये पकड़। तो अभी बारिश आने के कारण हम लोग यहाँ केव के अंदर छुपे हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। और ये बाहर बारिश हो रही है, कोई भी जगह नहीं मिल रही थी, हम लोग ट्रैक करके ऊपर आ रहे थे, तो अभी केव में छुपे हैं। जैसे ही बारिश बंद होगी तो हम निकलेंगे। और हमारा फोटोग्राफर भी काम पे लगा हुआ है, बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम फोटोग्राफी कर रहा है, हाई लेवल की। और ये पता नहीं काय का पत्थर मिला मुझे, तो हम रिसर्च करेंगे आगे तक। ठीक, केव बहुत मस्त है, पानी से बचा रही है, देख सकते हैं आप लोग। बाकी देखिए आप लोग, ये हम लोग ने यहाँ पे नहा लिया है बढ़िया से, आप लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि हम लोग जल्दी आने की सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे को चौरागढ़ भी आना है। और हमारी आंखें देख सकते हैं कितनी लाल हो गई है, ये इसलिए हो गई क्योंकि हम लोग सोए नहीं थे रात में ज़्यादा। और मतलब माहौल तो बहुत अच्छा है यहाँ का, मन नहीं कर रहा जाने का, लेकिन समय कम है तो जाना पड़ेगा हमें। बहुत मज़ा आ रहा है फॉल के पास में, देख सकते हैं, और चारों तरफ जंगल ही जंगल, बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल जंगल में मज़ा आ रहा है। देखिए लोग कितने मज़े ले रहे हैं, बिल्कुल चाय पूछ लो, चाय पीता है। हाँ, तो अभी हम लोग आए हैं पांडव केव पे, ऊपर सबसे ऊपर हैं, और ये सब कुछ नज़ारा है ऊपर से, बहुत सही लग रहा है, मज़ा आ रहा है देख के। यहाँ पे मन कर रहा है, यहाँ पे बैठे थोड़ी देर इंजॉय कर रहे हैं, सनसेट होने वाला है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है बहुत।
तो आज हमारे ट्रिप का डे टू है और सुबह सुबह हम लोग, मतलब सुबह क्या 12 बजे हम लोग आ गए यहाँ पे चौरागढ़ की ट्रैक के लिए। और ये यहाँ पे पार्किंग है, हम लोग ने स्कूटी ली है तो यहाँ पे हम लोग ने पार्किंग करी है। और पार्किंग करके वो पीछे इधर दिख रहा है, दिखाता हूँ, वो मंदिर है, वहाँ पे हम लोग ट्रैक करके जाने वाले हैं। दिखाता हूँ मंदिर आपको, वो पहाड़ दिख रहा है जो ऊपर, वो वाला है, वहाँ पे ट्रैक करके हम जाने वाले हैं उस तरफ। तो चलिए देखते हैं, ट्रैक शुरू करते हैं, देखते हैं कितने देर में हम जाके आ जाते हैं। चलो अभी हम लोग आ गए हैं लगभग थोड़ा सा ट्रैक कंप्लीट करके। यहाँ से सीढ़ियाँ चालू होती है चौरागढ़ की, और यहाँ से 1500 सीढ़ियाँ है टोटल, देख सकते हैं। यहाँ बहुत सारे बंदर वगैरह भी हैं और यहाँ से चालू होगी ट्रैकिंग हमारी 1500 सीढ़ियों की। चलिए आपको ऊपर चढ़ के बताऊँगा। अब फाइनली हमारी ट्रिप कंप्लीट हो गई है और हम लोग अब रिटर्न जा रहे हैं अपने होटल को, और वहां से फिर हम लोग आज ही निकल जाएंगे। रात में हमारी ट्रेन है इंदौर के लिए पिपरिया से। तो ट्रिप में काफ़ी मज़ा आया, आप लोग भी आए तो आई विश कि आप लोग भी मज़े करें, बढ़िया से आए, सुरक्षित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।